नमस्कार मित्रों, सीपी के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच में लेके आए हैं भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की बड़ी खबरें। घोषणा के 6 माह बाद भी रीट परीक्षा नहीं, प्रदेश के 13 लाख अभ्यर्थियों की बड़ी परेशानी। बालोतरा से बड़ी खबर, प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा की घोषणा को 6 महीने का समय गुजरने के बावजूद भी अभी तक भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग कोई खास तैयारी नहीं कर रहा है। स्थिति यह है कि सितंबर में इस परीक्षा को करवाने की घोषणा के बावजूद अभी तक न तो रीट की भर्ती का पैटर्न तय हुआ और न ही भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई। बड़ी खबर रीट भर्ती से संबंधित। मेरिट लिस्ट में किया प्रतिस्थापित, अजमेर से बड़ी खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा 2018 के पूर्व घोषित परिणाम में एक अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में प्रतिस्थापित किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, संशोधित विज्ञप्ति। कनिष्ठ अभियंता सूक्त श्री भर्ती 2020 बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2020 कनिष्ठ अभियंता सूक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2/4/2020 निर्धारित की गई थी। कोरोना प्रकोप के कारण आवेदकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा दिनांक 31/3/2020 को इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन उक्त दिनांक के पश्चात पुनः खोले जाने के संबंध में आवश्यक सूचना जारी की गई थी। उससे संबंधित आज की बड़ी खबर, अटकी 40,000 चालक और तकनीशियनों की नियुक्ति। कोटा से बड़ी खबर, लॉकडाउन के चलते 40,220 सहायक लोको सहायक और तकनीशियनों की नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई है। अब लॉकडाउन से राहत मिलने के साथ ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्मीद जगी है। बड़ी खबर कोटा से, राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायकों के सामने संकट। नागौर से बड़ी खबर, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में नियुक्ति देने की मांग। अभ्यर्थियों का उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ से खबर, पूर्व प्रारंभिक शिक्षकों के नियुक्ति की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बागोड़ा से बड़ी खबर, शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति की मांग। डूंगरपुर से खबर, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की अस्थायी लिस्ट जारी नहीं होने पर विरोध। बीकानेर से खबर, सूचना सहायक भर्ती खाली सीटों के लिए प्रतीक्षा लिस्ट जारी। जयपुर से बड़ी खबर, सूचना सहायक भर्ती में खाली रहे पदों पर प्रतीक्षा लिस्ट जारी होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के लिए हुई सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में ज्वाइन नहीं करने वालों की खाली रही सीटों पर प्रतीक्षा लिस्ट जारी कर दी। बड़ी खबर अभ्यर्थियों के लिए, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय स्टाफ के साक्षात्कार पूरे। अजमेर से बड़ी खबर, संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा सेकंड 2020। बड़ी खबर, जेईएन भर्ती परीक्षा के आवेदन 24 जून से। जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुक्रवार को कनिष्ठ अभियंता सूक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख फिर घोषित कर दी है। इस भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थी अब 24 जून से 8 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर विद्यार्थियों के लिए, दोस्तों आज हमने इस वीडियो में भर्ती परीक्षाओं से संबंधित बड़ी खबरों के बारे में आपको बताया। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।